आज हमने बनाया है मूंग की दाल का हलवा। सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया ना। और इसमें डाला है हमने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपने शादियों में भी ऐसा हलवा नहीं खाया होगा। और ज़रूर देखिए इसकी रेसिपी अंत तक। तो इसके लिए हमने ली है एक कटोरी मूंग की दाल। इसको बिना घी के रोस्ट करना है जब तक थोड़ा सा लाल हो जाए। और जब ये लाल हो जाए आप इसको उतार लीजिए, पानी में गला दीजिए, रात भर के लिए अगले दिन पीस लीजिए। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। पूरी मूंग की दाल को रोस्टेड कर लिया है कढ़ाई में बिना घी के। और हमारा ये वो रोस्टेड हो चुकी है, हम इसको उतार के ठंडा करेंगे। हम एक गिलास पानी में धुली मूंग की दाल जो हमने रोस्टेड की भिगो दी है रात भर के लिए। आज हम बना रहे हैं धुली मूंग की दाल का हलवा। धुली मूंग की दाल को हमने रात को थोड़ा सा रोस्टेड करके पानी में भिगो के रख दिया था। अब हमने इसका पानी निकाल लिया है, ये छान लिया है। अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल देसी घी, दो चम्मच छोटे बेसन और डेढ़ बाउल छोटा चीनी, किशमिश, बादाम, खरबूजे के बीज, काजू, इनको हम देसी में फ्राई करके गार्निश के लिए डालेंगे, मलाई, दूध, दो चम्मच इसमें पानी डालेंगे। जो एक कटोरी दाल थी ना वो फूल के डबल हो गई है रात को। और इसको अब हम पीस रहे हैं। ये दाल हमारी पीस चुकी है, हमने इस ढंग से पीसना है मिक्सी में ठीक एकदम, दो चम्मच पानी डाल के। ये कढ़ाई हमने गैस पर रख दिया, हम देसी घी डालेंगे। घी डाल दिया है देसी, अब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा। सबसे पहले हम डालेंगे एक चम्मच बेसन, एकदम इस सीक्रेट है, किसी को नहीं पता बेसन डालने से क्या फायदा होता है। एक तो चिपकता नहीं है हमारा, जो हम दाल भूनेंगे हलवे की चिपकेगी नहीं, इसलिए हम बेसन डाल रहे हैं। जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा फिर हम डालेंगे दाल हमारी पिसी हुई, बिल्कुल ही कम गैस पर भूनना है हमने, गठान नहीं आनी चाहिए हमारी। हल्का सा कलर आ गया, खुशबू आ रही है, हम अपनी डाल देंगे दाल हमारी। ये एकदम सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है कि बेसन क्यों डाला जाता है। बेसन से टेस्ट अच्छा आता है, कलर अच्छा आता है और फटाफट भुन जाता है ये। हम अपने ड्राई फ्रूट जो है उसको हल्का सा आधा चम्मच देसी घी में डीप फ्राई करने जा रहे हैं सिर्फ एक मिनट के लिए। अब आप भी बादाम डालेंगे, किशमिश डालेंगे, खरबूजे के बीज डालेंगे। एक मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे भूनना है, जितना हम भूनेंगे उतना अच्छा कलर आएगा। ये हमारा मूंग की दाल हमारी भून चुकी है, ये देखिए कलर आ गया है, खुशबू आ गई है और एकदम घी छोड़ने लग गया, दानेदार हो गई है हमारी दाल। अब हम डालेंगे इसमें दूध, घी छोड़ दिया है दाल ने, हमारा हलवा भून चुका है। अब हम डालेंगे दूध, चीनी, जब ये हमारा थोड़ा ठीक हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे मलाई। आप खोआ भी डाल सकते हो, पर अगर खोआ नहीं है दो दिन की मलाई इकट्ठी करके आप चार चम्मच मलाई इसमें डाल सकते हो, दो चम्मच। आप जितना भूनते जाएंगे उतना रंग आता जाएगा, तो जितनी मेहनत करेंगे उतना ही स्वाद आएगा। तो बस मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर आपको चाहिए कि लोग कहें भाई वाह। पर इसमें बहुत डार्क कलर नहीं आता क्योंकि इसमें हमने मलाई और दूध का इस्तेमाल किया, इसमें स्वाद ज्यादा आता है, ध्यान दीजिएगा। हम इसे गार्निश करेंगे, हमने जो फ्राई किए थे ड्राई फ्रूट्स उससे हम गार्निश करके सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा मूंग की दाल का शाही हलवा। बस एक बार आप हमारे तरीके से बना के देखिए, आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे क्योंकि ये है बहुत ही लाजवाब। और ऐसी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।